हेलो नमस्कार, माय नेम इज सतपाल पांचाल और आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिव्यू टैब के बारे में, एमएस एक्सेल की रिव्यू टैब के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला और डाटा के बारे में बताया है। यदि आपने इनके बारे में कोई जानकारी लेनी है तो आप हमारे चैनल पर जाके इनकी जानकारी ले सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। रिव्यू में क्या होता है, जैसे एमएस वर्ड में बताया गया था वही है इसमें भी। जैसे सबसे पहले प्रूफिंग, आपका प्रूफिंग मीन्स सबसे पहले ऑप्शन में स्पेलिंग एंड ग्रामर या स्पेलिंग। आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, आपसे कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गया और वो आपको राइट सही करनी है। सपोज करो ये कंप्यूटर की स्पेलिंग हम गलत कर देते हैं, मैंने कर दी आप गलत इसको। एमएस वर्ड में तो क्या होता है, वहाँ पर रेड लाइन आ जाती है, हमें पता लग जाता है कि ये स्पेलिंग गलत है। इसमें क्या है, तो कोई रेड लाइन नहीं आती है, हमें नहीं पता लग पाता कि कौन सी स्पेलिंग गलत है कौन सी सही है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कहीं भी क्लिक करो, जरूरी नहीं है उसी पे क्लिक करना आपने, और स्पेलिंग एंड ग्रामर का क्लिक करोगे। डू यू वॉन्ट टू सी दिस चेक, यस, आप इस पर क्लिक करो। तो यहाँ पर देखो अपने आप ही यहाँ पर सिलेक्शन आ गई है, या मैंने नहीं दी, अपने आप ही आई है। यहाँ पर देखो सजेशन दे रहा है आपने कौन सा लेना है इनमें से, जो भी आपको लगता है मुझे ये लेना हो आप उसके साथ उसको रिप्लेस कर सकते हो। आगे है रिसर्च, आपने किसी पर्टिकुलर वर्ड के मीनिंग ढूंढने हैं। एमएस वर्ड में भी बताया गया था, यहाँ भी बता देते हैं। जैसे यहाँ पर आपने लिख दिया टीचर, हमने टीचर लिखा और इसको ट्रांसलेट करना है कि क्या करना है, हमने सर्च पे क्लिक किया। फिलहाल तो गो पे क्लिक करें, तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे ट्रांसलेट आ रहा, सॉरी ऑल रेफरेंस बुक, हाँ यहाँ पर गो पे क्लिक करना है टीचर लिख के, तो उससे रिलेटेड वर्ड जैसे एजुकेटर, ट्यूटर, इंस्ट्रक्टर, कोच, ट्रेनर, लेक्चरर, प्रोफेसर, ये क्या है, ये टीचर से संबंधित वर्ड है। जैसे अब आप स्कूल में कोई आपने कोई एप्लीकेशन लिखनी है तो आप वहाँ पर टीचर दिखाओगे, अगर कॉलेज में आप कुछ टीचर के लिए लिख रहे हो तो वहाँ पर आप प्रोफेसर या लेक्चरर दिखाओगे। ऐसे ही ट्रेनर होता है, इंस्ट्रक्टर होता है, कोच होता है। थ्रेसर भी सेम है, वर्ड के मीनिंग ढूंढने के लिए ही यूज होता है इसका। आप कोई वर्ड डालोगे यहाँ पर, उसी के वर्ड के मतलब मीनिंग ढूंढ देगा ये। सेम सेम एज रिसर्च, ये देखो कंप्यूटर के ढूंढ दिए, प्रोसेसर, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर। आगे है ट्रांसलेट, ट्रांसलेट आप जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ये इंग्लिश यूएसए लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सेंटेंस सॉरी आपकी वर्डिंग काउंट करता है या एक्सेप्ट करता है। लेकिन आपने दिखानी है किसी अदर लैंग्वेज में, जैसे आप ये कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लिखा हमने, ये इंग्लिश यानी इंग्लिश यूएसए के अकॉर्डिंग लिखा गया है। अगर आप इसको ट्रांसलेट करना चाहते हो, ट्रांसलेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप आओगे, तो ट्रांसलेट पे क्लिक करना आपने यहाँ पर ट्रांसलेट पे। अब इंग्लिश यूएसए यहाँ पर आपने यही रखनी है और यहाँ पर किस लैंग्वेज में आपने इसको ट्रांसलेट करना है, तो कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो आप। जैसे रशियन में करना है आपने ट्रांसलेट, ये देखो ये रशियन में आया हुआ है, रशियन में आया हुआ। अब कोई और लैंग्वेज देख लेते हैं, हिंदी, देखो हिंदी पे क्लिक किया हमने तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली देखो ट्रांसफर हो रहा है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है, कुछ ऐसे बता रहा है, यानी आप किसी भी लैंग्वेज में सर्च कर सकते हैं वो, सॉरी कन्वर्ट ट्रांसलेट कर, कोरियन में, कोरियन में इसको ऐसे हो जाएगा, ये कोरियन लैंग्वेज है। और एक बात आपको बता दूं, ये जो ऑप्शन अभी आ रहे हैं यहाँ पर, ये तभी चलेंगे आपके जब आपका कंप्यूटर में नेट होता है या आपका कंप्यूटर नेट से कनेक्टेड होता है। यदि आपके कंप्यूटर में नेट कनेक्टेड नहीं है, जैसे यहाँ पर कनेक्ट है, तो आप ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे। तो पहले अगर आप चाहते हो कि मेरे वर्ड ट्रांसलेट हो तो आप इंटरनेट की फैसिलिटी आपके पास होनी चाहिए। आगे है कमेंट, एमएस वर्ड की तरह इसमें भी कमेंट है, आप किसी वर्ड को कोई कमेंट देना चाहते हो, ऐसे आप क्लिक करो तो ऐसे कमेंट आ जाता है। यहाँ पर आपने उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है, आपके पर डिपेंड है आपने कमेंट क्या देना है, कंप्यूटर को या इसको आपने कमेंट दे दिया, ठीक है, ऐसे कमेंट होता है। यहाँ पर आपने कोई कमेंट दे दिया, सॉरी यहाँ पर क्लिक करो और ऐसे कोई कमेंट दे दिया, तो
अब हमने 4 टाइम इसमें कमेंट दिया। एमएस वर्ड में क्या था, यहाँ पर कुछ बैलून शो होते थे या आपको वहां पर ऐसे कुछ पता लग जाता था कि यहाँ पर कमेंट लगा हुआ है। इसमें पता लग रहा है हमें, जैसे रेड डॉट आई हुई है, जैसे हम उसके पास लेके जाएंगे तो कमेंट हमारा शो होने लग जाएगा। फिर भी आपको नहीं पता कि कहाँ कहाँ पर हमारा कमेंट है, क्या पता नीचे हो, तो आप किसी एक कमेंट पे क्लिक करोगे। उसके बाद देखो ये डिलीट होता है, डिलीट कर सकते हैं कमेंट। देखो नेक्स्ट कमेंट, आप ऐसे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट कमेंट कहाँ है वो बताएगा, नेक्स्ट कहाँ है वो बताएगा, नेक्स्ट ये प्रीवियस होता है, ऐसे प्रीवियस दिखाएगा। अब आप जो ये इनको बैलून बोलते हैं, ये जो बैलून है कमेंट के, अब ये देखो जैसे हम उससे हटा लेते हैं तो बैलून भी हट जाते हैं। आपने सो ऑल पे क्लिक करना है तो ये सारे बैलून दिखने लग जाएंगे कमेंट के आपको। और यदि आप चाहते हो कि ये बैलून हाइड हो तो ऐसे आप क्लिक करोगे, देखो इसका बैलून हाइड हो गया, इसका बैलून हाइड करना है तो हाइड कमेंट पे क्लिक करो, देखो कमेंट हाइड हो रहा है, यानी उसका जो बैलून है वो हाइड हो रहा है। ऐसे ही आपने ये डिलीट है, डिलीट पे क्लिक करोगे, देखो ये कमेंट डिलीट हो गया। यहाँ से देखो हम डिलीट करते हैं तो ये डिलीट हो गया। एडिट कमेंट में क्या होता है, यदि आपने इसके अंदर कोई एडिटिंग करनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे और इसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। आगे है हमारा चेंज, इसमें क्या होता है, सबसे पहले ऑप्शन है प्रोटेक्ट सीट, यानी जो ये सीट है जिस पे आप अभी करंट में काम कर रहे हो, इस सीट को आपने लॉक करना है, प्रोटेक्ट करना है, तो आप इस पे क्लिक करोगे। तो ध्यान दें यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये आपके ओके होने चाहिए तकरीबन सभी। तो यहाँ पर एक पासवर्ड डाल दोगे, कुछ भी आप अपना कोई पासवर्ड डाल दो, डालने के बाद ओके करो, एक बार और कंफर्मेशन करता है वो, 1 2 3 4 जैसे मैंने डाल दी ओके। अब कोई भी व्यक्ति या आप इसमें कोई वर्क करता है तो वर्क नहीं हो पाएगा इसके अंदर, ये देखो वर्क नहीं हो पा रहा, यहाँ तक कि आप कोई वर्क जैसे ये डिलीट करने की कोशिश कर रहे होगे, देखो डिलीट नहीं चल रहा है, ठीक है, इसमें कोई भी एडिटिंग आप नहीं कर सकते हो। आगे है अब आपको इसमें कोई एडिटिंग करनी है तो आप अनप्रोटेक्ट करोगे, लेकिन एक बात बता दूं आप लोगों को, ये सीट नंबर 5 है, लेकिन अगर जैसे अभी तो इस पे डाटा नहीं लिखा जा रहा, लेकिन ऐसे राइट क्लिक करके कोई आपकी सीट को डिलीट कर सकता है, ये डिलीट होगी तो आपकी सीट जो है डिलीट होगी, यानी प्रोटेक्ट तो थी वो, लेकिन प्रोटेक्ट सिर्फ एडिटिंग की थी, एडिटिंग आपने प्रोटेक्ट लगा रखा, लेकिन ऐसा नहीं लगाई आपने प्रोटेक्शन की वो डाटा डिलीट ना हो, या सॉरी सीट डिलीट ना हो। तो उसके लिए अगर हम चाहते हैं जो हमने फाइल बनाई है उसके अंदर जितनी भी सीट हैं, जैसे ये इनको लॉक लग जाए, कोई इनमें कोई इनको डिलीट ना कर पाए, ठीक है। देखो अगर सीट प्रोटेक्ट करनी है तो आप यहाँ से करोगे, अगर आप चाहते हो कि पूरी वर्कबुक प्रोटेक्ट हो जाए तो यहाँ से करोगे। कैसे, जैसे अभी सीट न, इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि सीट कौन सी खुली हुई है, प्रोटेक्ट वर्कबुक के लिए आपने प्रोटेक्ट वर्कबुक पे जाना, ये लिखा हुआ ना प्रोटेक्ट, आपने इस पे क्लिक करना, स्ट्रक्चर और विंडो दोनों पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप कोई पासवर्ड डाल दोगे 1 2 3 4 और यहाँ पर रिकन्फर्मेशन 1 2 3 4 ओके, ठीक है। अब ये कैसा पासवर्ड लगा, आप सोच रहे हो कि यहाँ पर कोई एडिटिंग नहीं होगी, नहीं, यहाँ यहाँ एडिटिंग हो सकती है, लेकिन लॉक किसका लगा है, लॉक लगाए जितनी भी सीट आपकी इनको लगा, यानी देखो अब मैं राइट क्लिक करता हूँ, देखो ना तो रीनेम हो रहा है, ना डिलीट हो रहा है, ना ही हम इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करने की कोशिश भी करोगे ना तो इसके अंदर सीट डिलीट होगी और ना ही इंसर्ट होगी, तो ये होता है वर्कबुक प्रोटेक्ट। यहाँ से आप सिर्फ केवल एक सीट प्रोटेक्ट करते हो, वो भी एडिटिंग की, डिलीट नहीं, मतलब आपकी सीट को कोई भी डिलीट कर सकता है यदि आपने ओनली प्रोटेक्शन सीट लगा रखी है तो। अब आप चाहते हो कि ये सीट डिलीट हो जाए या इंसर्ट हो जाए, तो उसके लिए आपको वापस इसमें जाना है, प्रोटेक्शन पे क्लिक करो, पासवर्ड मांगेगा 1 2 3 4 पासवर्ड दिया ओके, और अब आप यहाँ पर इंसर्ट भी कर सकते हो और आप इनको डिलीट भी कर सकते हो। बड़ा आसान टॉपिक है। उसके बाद है शेयर वर्कबुक। शेयर वर्कबुक में क्या होता है, जो आपकी ये वर्कबुक है आप शेयर कराना चाहते हो, देखो ये ऑप्शन तब चलता है जब आपके कंप्यूटर नेटवर्किंग में कनेक्ट होता है, जैसे आपके सर्वर है कोई या क्लाइंट है कोई, क्लाइंट कंप्यूटर है, सर्वर कंप्यूटर है, आपने वो ये वर्कबुक शेयर करानी है। शेयर कराने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे अलो पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। जैसे आप इस पर ओके करोगे, पहले तो ये सेव होनी चाहिए,
किसी भी नाम से सेव कर सकते हो। और जैसे आप इसको यहाँ पर अलो पे क्लिक करोगे, दोबारा देख लो, अलो पे क्लिक करके ओके करोगे, तो यहाँ पर देखो वर्कबुक के साथ में शेयर्ड लिखा गया। तो इसका मतलब क्या है, ये आपके जो नेटवर्किंग क्लाइंट जितने भी लगे हुए हैं उनको ये शेयर कर दी है आपने, मतलब दूसरे कंप्यूटर या दूसरे ऑपरेटर इसको यूज कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, इसमें एडिट कर सकते हैं, इसमें चेंज कर सकते हैं। लेकिन आप चाह रहे हो कि नहीं, जो भी देखे उसको पता होना चाहिए कि इसको तो लॉक, मतलब आप लॉक लगाना चाहते हो। यदि उसको पासवर्ड पता होगा तो वो इसमें रीड कर सकता है, रीड आउट कर सकता है इसको। यदि पासवर्ड ही नहीं पता होगा तो वो रीड आउट नहीं कर पाएगा। जैसे यहाँ पर आपने आना है, शेयरिंग विद ट्रैक चेंज पे आपने क्लिक करना है कि देखो ऑप्शनल आ रहा है, आई थिंक कोई मिस्टेक कर रहे हैं, ऑप्शनल बता रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसमें होता है आपका, यहाँ पर लॉक मांगता है ये, आप इसको लॉक कर सकते हो। सॉरी, मुझे पता लग गया कि क्या एरर है इसके अंदर। यानी पहले हमने वर्कबुक को अनशेयर करना पड़ेगा। अनशेयर पे क्लिक करो, ओके, अनशेयर करो इसको पहले। ये हमने अनशेयर कर दिया इसको, यहाँ से शेयर देखो हट जाएगा जहाँ पर माउस का पॉइंटर है। अब इसको आप प्रोटेक्ट करो, यहाँ से प्रोटेक्ट करने के बाद यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा, 1 2 3 4, 1 बार ओके, 1 2 3 4। तो आप क्या सोच रहे हो कि यहाँ पर नहीं चेंज होंगे? यहाँ तो आप तो चेंज कर सकते हो, लेकिन जब दूसरा क्लाइंट आप इसको पहले शेयर करोगे, और जैसे आप इसको शेयर करोगे तो जो दूसरे अदर क्लाइंट हैं आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं वो इस फाइल को ओपन करेंगे, तो वो पहले पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड यदि आपको उसको पता होगा तो उसको यूज कर पाएगा, यदि पासवर्ड नहीं पता होगा तो उसको यूज नहीं कर पाएगा। ऐसे देखो एडिट रेंज होती है भाई, जो क्लाइंट है वो हमारी फाइल या दूसरा ऑपरेटर है जो नेटवर्किंग में कनेक्टेड है हमारी फाइल में क्या क्या चेंज कर सके। ठीक है, अनप्रोटेक्ट पे क्लिक करो पहले, अनप्रोटेक्ट हो गई, अनप्रोटेक्ट, अनप्रोटेक्ट में सॉरी, यहाँ पर है अलो यूजर एडिटिंग, मतलब आप क्या क्या एडिटिंग चाहते हो। ठीक है, सीट के ऊपर आप चाहते हो कि इस सेल के अंदर एडिटिंग हो जाए, ऐसा कुछ आप रेंज सेट कर सकते हो। ठीक है, या पासवर्ड रेंज लगाना चाहते हो लोकेशन को। ठीक है, परमिशन, इसमें यही होता है कि जो आपका क्लाइंट जो आपके कंप्यूटर कनेक्टेड हैं उनके अकॉर्डिंग आप मतलब क्या दिखाना चाहते हो, क्या एडिट करवाना चाहते हो उनको, तो इसमें वो सेटिंग होती है। आगे है ट्रैक चेंज, ट्रैक चेंज में ये होता है, एमएस वर्ड में ही बताया गया कि आपकी एक कोई सेव फाइल है, मान लो ये सेव ही है, और इसमें कोई चेंज करता है, यहाँ पर आप ट्रैक चेंज पे क्लिक करोगे, ट्रैक चेंज, और वैसे तो रेंज दे सकते हो आप, लेकिन फिर भी ओके करो, कोई रेंज देने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर आप जब भी कुछ टाइप करोगे तो वहाँ पर देखो एक ब्लू टिक मार्क आ रहा है। ठीक है, ये क्या बता रहा है कि ये जो वर्क हो रहा है ये हमारी फाइल सेव करने के बाद हो रहा है या ट्रैक चेंज करने के बाद हो रहा है। आपने एक फाइल बनाई, फाइल बनाने के बाद ट्रैक चेंज ऑन करके आपने छोड़ दिया उसको। ठीक है, कोई अदर पर्सन आता है और आपकी फाइल में कोई वर्क करने की कोशिश करता है, या कुछ लिखा हुआ होता है वो कुछ डिलीट करने की कोशिश करता है, जैसे कि ये लिखा हुआ है। ठीक है, ट्रैक चेंज देख लेते हैं ऑन है कि नहीं, ऑन। अब यहाँ पर किसी ने ये डिलीट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सिलेक्शन आ रही है, यानी यहाँ से कोई डाटा डिलीट किया गया है। ठीक है, इंसर्ट, जैसे इंसर्ट करोगे तो ऐसे डाटा दिखाई देगा। ठीक है, और डिलीट करेंगे तो ऐसे, जैसे कॉलम के ऊपर या सेल के ऊपर डॉट्स आया हुआ, बता भी रहा है कि क्या डिलीट हुआ है, और यहाँ पर हिंट भी देगा कि क्या इंसर्ट हुआ है। ठीक है, अगर आप ट्रैक चेंज को एक्सेप्ट करना चाहते हो तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो, यदि आप रिजेक्ट करना चाहते हो तो रिजेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर एवरी सेल ओके, तो आपके ट्रैक चेंज ये हट जाएंगे, देखो हट गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सॉरी पूछ रहा है एक्सेप्ट करें रिजेक्ट करें, तो एक्सेप्ट करोगे तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, यदि रिजेक्ट करोगे देखो ऐसे रिजेक्ट हो रहा है वर्क आपका, रिजेक्ट हो। ठीक है, या एक्सेप्ट ऑल या रिजेक्ट ऑल, रिजेक्ट ऑल करोगे तो आपका जो डिलीट हुआ वो वापस आ जाएगा, जो इंसर्ट किया था वो आपका चला जाएगा। ये है आपका, और ये थी आपकी वीडियो रिव्यू टैब के बारे में। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो शेयर करें, और कमेंट और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।